जनपद के खजनी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर ग्राम सभा के गौरापार से एक साथ तीन बच्चियों के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया। तीनों बच्चियों के परिजन व्याकुल होकर सभी रिश्तेदारी सहित दोस्तों में खंगाल डाला, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सदमे में परिवार वाले पागल की तरह भटक रहे हैं, सभी लोगों से बच्चियों के बारे में पूछते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना पर SSP दिनेश कुमार पी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे क्षेत्र में चेकिंग अभियान के साथ बच्चियों की खोजबीन में लग गए। आपको बता दें कि खजनी क्षेत्र गौरापार निवासी दुर्गविजय प्रसाद की दो पुत्री नैन्सी व शिवानी व वासुदेव की पुत्री रोशनी बुधवार की दोपहर में गांव के बाहर छावनी पर टहलने निकली थी। उसी दौरान नैन्सी व शिवानी के मामा अपने भांजियों को लेने आए थे। जब खोजा गया तो बच्चियां गांव में नहीं मिली। परिजनों की चिंता बढ़ गई। आनन फानन में सभी रिश्तेदारों को संपर्क करना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं भी बच्चियों के पता नहीं चला। परिजन को बच्चियों के गायब होने की चिंता सताने लगी। परिजन व्याकुल होकर बच्चियों की तलाश कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक बच्चियों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे SSP दिनेश कुमार ने बच्चियों की सूचना देने वालों को 25,000 के इनाम देने की घोषणा की है। इस संबंध में SSP दिनेश कुमार पी ने कहा, होशियार है, 10 साल की बच्ची है, 7 साल की स्किल से ले जाते तीनों को। नहीं, तीनों नहीं, जैसे एक घर रहते थे तो थोड़ी दूर है गाँव उसके पास, एक हरियाणा, तो साइकिल पर ले जाते थे। बड़ी वाली लड़की वहाँ रह जाती, हम उसके मम्मी जाते थे, कभी वो बच्चे चले जाते थे। तो ये खजनी क्षेत्र के एक गांव में एक 10 साल के, एक 7 साल के, 5 साल की बच्चियां एक साथ घर से यहां बगीचे में खेलने के लिए, फ्रेश होने के लिए निकले थे। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटे। पुलिस को सूचना परिवार वालों के द्वारा शाम को दिया गया है। तत्काल मौके पर फोर्स पहुंच गई। गाँव वालों की मदद से हर खेत, हर कलिहान और ईंट के बट्टे से लेकर गाँव के हर मकान तलाश किया जा रहा है। मुख्य मार्गों में जो निकलने वाली गाड़ियों को भी अलर्ट करके उनको भी चेक कराया जा रहा है, और रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, इन सब जगहों पर भी मैसेज फ्लैश किया गया है। पत्रकारों की मदद से डिजिटल वॉलंटियर्स ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में भी शेयर किया जा रहा है, और मेरी तरफ से 25,000 के इनाम भी घोषित कर दिया गया। जो भी सूचना इन बच्चियों के बारे में, जो भी देखा हुआ, जो भी जिनकी सूचना के आधार पर हम बरामद कर सकते हैं, उनको इनाम मेरी तरफ से 25,000 भी घोषित किया गया।